अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम मजीद वर्किंग कैसे कर सकते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ करता हूँ, मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, कंट्रोल एम, न्यू डॉक्यूमेंट। मैं ज़रा इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ जो अटेंडेंस होती है, वो जो जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक फर्म में काम करता हूँ, वहाँ जितने भी वर्कर्स हैं उनकी मैंने अटेंडेंस अपने पास महफूज करनी है, मंथली अटेंडेंस। तो मंथली अटेंडेंस के लिए शीट बनानी है, आईडी नंबर, नेम, और उसके बाद यहाँ चाहें तो आप डेट वाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से डेट लगाना शुरू कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह, तो ये आपकी डेट्स हो जाएंगी, ठीक है। ये 1 हो गया डेट, डे 1, डे 2, डे 3 वगैरह। और चाहें तो आप डे 1, डे 2, डे 3 ना लगाएं। जितने भी वर्कर्स हैं, हर एक वर्कर का आप अलग से जो है वो अटेंडेंस लगाएं, ठीक है, वो भी ठीक है, उस तरह भी होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और डे 2 लगाता हूँ, और फिर 3 और 4 वगैरह। इस तरह मैं ये करता हूँ कि मैं इनको तकरीबन, इनको सेलेक्ट करके ये काउंटिंग जो है इसको मैं तकरीबन 30 तक ही ले जाता हूँ, सही है, 30 तक या 26 तक ले जाता हूँ। ये मेरे पास आ गया 25 तक, ठीक है। मैं 26 कर देता हूँ, एक एग्जांपल है, और डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, सॉरी, इसको मैं वापस ले जाता हूँ जहाँ से मैंने काम शुरू किया था। अब यह है कि ये जितने भी दिन हैं इनके नीचे हमने सिर्फ एक ही लेटर लिखना है, ठीक है। तो वो लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, हम ज़रा इन जितने भी दिन हैं इनको सेलेक्ट करते हैं। ये हैं 26 डेज हैं हमारे पास, और इनके कॉलम्स को सेलेक्ट करके मैं ये करता हूँ कि ऊपर दो कॉलम्स के बीच में जो डबल क्लिक के लिए जगह बनती है उस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिखूँगा लीव्स, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूँगा प्रेजेंस, और या पहले मैं लिख देता हूँ प्रेजेंस कि इनकी प्रेजेंस कितनी है, और उसके बाद मैं इनकी लीव्स लिखता हूँ, प्रेजेंट्स पूरी, प्रेजेंट्स लीव्स, और उसके बाद एब्सेंस, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ टोटल एब्सेंस, ठीक है, टोटल एब्सेंस मैं लिख देता हूँ, ओके। स्पेलिंग एब्सेंस की मैंने गलत लिखी है, या आप खुद ठीक कर लीजिए, एब्सेंस, सॉरी, टोटल एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस, ठीक, सिर्फ यही मालूम करना है हमने। तो मैं देखें, इस पर भी मैं टोटल प्रेजेंट्स पे भी डबल क्लिक करता हूँ, या अगर ये नहीं लिखना है तो इसकी जगह आप ये करें कि टोटल प्रेजेंट्स, टोटल लीव्स, टोटल एब्सेंस आप लिख दें, ठीक है। मैं ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ, इसकी जगह हम ये करते हैं कि डबल क्लिक करके मैं यहाँ लिखता हूँ t/ टोटल प्रेजेंट हो गया, टोटल लीव्स हो गया, टोटल एब्सेंस हो गया, और यहाँ पर हम लिखते हैं काउंट, यानी टोटल उनकी काउंटिंग कितनी बनती है, कि एक वर्कर जो हमारे पास है उसकी लीव्स कितनी है, उसकी एब्सेंस कितनी है, और प्रेजेंट्स कितनी है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैंने यहाँ 1 लिखा, आईडी नंबर मैं लिखता हूँ, कुछ भी आप आईडी नंबर लिख दें, यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ, ये मैंने नेम लिखा, यहाँ मैं लिख देता हूँ पी, ठीक है, इसकी प्रेजेंट्स बहुत ज़्यादा है इस परसेंट की, ठीक है। यहाँ मैं एल लिख देता हूँ, यहाँ भी एल लिख देता हूँ, यहाँ मैं एल लिख देता हूँ, यहाँ ए लिखते हैं, ठीक है। दो बार हमने इसका ए लिख दिया, फिर उसके बाद हम पी लिख देते हैं कि ये इतने दिनों ये प्रेजेंट था, और इतने दिनों इसकी लीव्स थी, गरजियाँ या छुट्टियाँ कह दें आप। ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं इनकी मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, राइट क्लिक करके मैं विड्थ कॉलम, विड्थ पे जाता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ 5 points, ठीक है, और इंटर दबाता, बहुत ज़्यादा हो गया। इस पर दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, कॉलम विड्थ पे जाता हूँ, और यहाँ 5 के बजाय मैं 2 लिख देता हूँ, इंटर दबाता हूँ, ठीक है, बल्कि 2 बहुत कम है, 3 कर देते हैं इसे, कॉलम विड्थ, और यहाँ पर मैं 3 इंटर करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ कुछ लिखना है उससे, और यहाँ टोटल प्रेजेंट्स जो हैं इसमें मैं फार्मूला लगाऊंगा, मैं लिखूंगा इक्वल काउंट इफ़
ब्रैकेट ओपन किया और ये जितने भी हैं ये कॉलम सारे मैंने सेलेक्ट करने हैं जो डेट्स हैं जिनमें, और फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और उसमें मैं लिखूंगा पी, क्योंकि ये प्रेजेंट्स है तो इसमें मैं पी लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है बस। अच्छा सॉरी, ब्रेक कीबोर्ड में ओपन कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर दबा दिया। ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि 21 जो है इसमें क्या है, प्रेजेंट्स हैं। इसी तरह यही फार्मूला मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, इक्वल लिखता हूँ और काउंट लिख के ब्रैकेट ओपन कर दिया और यही जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करना है यहाँ तक, और सिलेक्शन देने के बाद सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर एल हम लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं ज़ीरो प्रेस करता हूँ ब्रैकेट क्लोज करने के लिए और टैब दबाता हूँ। तो ये कह रहा है कि इसकी लीव्स जो हैं एल फॉर लीव। अच्छा यहाँ पे इसने काम किया है, अच्छा सॉरी काउंट इफ़ लिखना था। ठीक है ठीक है, यहाँ गलती हो गई, काउंट इफ़, काउंट के बाद इफ़ लिखता हूँ इंटर दबाता हूँ। तो ये कह रहे हैं थ्री लीव्स हैं। अच्छा यहाँ पे फार्मूला एब्सेंस का लगाएंगे, सॉरी इक्वल, हाँ ठीक है, काउंट इफ़ और ब्रैकेट ओपन कर दिया और हम यही जो सेल्स हैं ये सेलेक्ट करते हैं, और सिलेक्शन देने के बाद हम कॉमा इन्वर्टेड, इसको हम दोबारा एडिट करते हैं। ठीक है, कॉमा लिख दिया हमने, अब इन्वर्टेड कॉमा और हम ए लिख देंगे क्योंकि एब्सेंस है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर दबा दिया। ठीक है, तो टू इसमें लीव्स हैं। ठीक है, इसकी ये जो गैरहाजिरियाँ हैं ये कितनी बनती हैं ये भी हमने देख लिया, और जितनी एब्सेंस भी हैं वो देख लिया। अच्छा जितनी लीव्स हैं छुट्टियाँ हैं वो भी हमने देख लिया, प्रेजेंट्स हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, मंथली बेस पे जो अटेंडेंस शीट हम बनाते हैं ये वही चीज़ है। ठीक है, मैं इसको मंथली अटेंडेंस शीट के नाम से सेव कर देता हूँ अपने पास, क्योंकि बाद में मुझे ज़रूरत होगी। इसी तरह आप इस शीट को फॉर्मेटिंग दे दें। देखिए मैं इसको फॉर्मेटिंग, इस पहले मैं यहाँ आता हूँ और फिर यहाँ तक इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अब इसको मर्ज कर देते हैं और ज़रा इसकी जो हेडिंग है ऊपर वो उसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ तक मैंने सिलेक्शन की और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 रखता हूँ और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डार्क रख देते हैं। ठीक है, या यहाँ पर हमारे पास वो फॉर्मेट्स नहीं हैं, स्टाइल्स जो हैं सेल स्टाइल्स, हाँ ये हैं, तो इनमें से हम कोई भी सेल का जो स्टाइल है वो ये ले लेते हैं। जो नीचे हमने एंट्री की हुई है टेक्स्ट की, यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट करके हम सेल्स की जो स्टाइल है सेल का वो चेंज करते हैं। ये हमने ये लगा दिया और इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप इस शीट में मज़ीद जो है वो डेटा एंटर कर सकते हैं कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनकी हाजिरियाँ गैर हाजिरियाँ, और इसी तरह आप वो काउंट कर सकते हैं क्या कहते हैं उसे लीव्स। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम नेक्स्ट शीट पढ़ेंगे तो उसमें हम इन्हीं हाजिरियों और गैर हाजिरियों को की मदद से वर्कर्स की तनख्वाहें जो हैं वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसका एक फ़ायदा ये होता है आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है, और आगे आने वाले वक्त में हम जो रेफरेंस शीट लुकअप रेफरेंस शीट बनाएंगे हम इस मंथली अटेंडेंस शीट के बेस पे ही बनाएंगे। ठीक है, उसमें फ़ायदा ये होगा कि एक बार हमने शीट बनाना होगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।